बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो मेरे बच्चों? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह आपको खैर खैरियत से रखे। तो चले फिर, आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ पुन्ना गोश्त की। तो ये मटका है, पुन्ना गोश्त मटके में बनता है और आज मैं पुन्ना गोश्त मटके में बनाकर दिखाऊंगी। तो चले फिर शुरू करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। आप मसाला आज नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, इसमें हम 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल डालेंगे। पुन्ना गोश्त में तेल ज़्यादा पड़ता है, 2 नहीं 2.5 चम्मच डालेंगे हम। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। चूल्हा हमने पहले से ही चालू करके रखा था, मटके को गर्म करके रखा था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये मैंने 1/2 किलो बकरे का मटन लिया है, ये 1/2 kg है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त का कलर फेल हो चुका है, और इसमें 1 चम्मच भर कर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। पहले की जो हमारी नानी दादियाँ थीं वो पुन्ना गोश्त चूल्हे पर बनाती थी, और बातों बातों में 1-1.5 घंटा कब निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। लेकिन अभी तो बहुत कम ये मटके में बनाते हैं, अब तो प्रेशर कुकर आ गए हैं, प्रेशर कुकर में ही सब बना लेते हैं। आज मैं आपको मटके में बनाकर दिखा रही हूँ। गोश्त का अच्छी तरह से कलर चेंज हो चुका है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है वो भी अच्छी तरह से सोते हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटोरी भरकर तली हुई प्याज, इसे भी हम अच्छी तरह से सोते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जो पाउडर मसाले हैं ये 1 चम्मच है। तो मैंने 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, कुछ खड़े मसाले लिए, 2 दालचीनी का स्टिक है, 1 बड़ा इलायची है, 1 बादियान फूल है, 1/2 चम्मच जीरा है, 10 से 15 काली मिर्च है, 2 हरी इलायची है, 3-4 लौंग है, 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर धनिया पाउडर है, 1 चम्मच दरदरा धनिया पाउडर है। अब हम इसमें सब ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। और 1 गिलास पानी डालेंगे। और अब हम इसे कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटे तक हम स्लो चूल्हे पे पकाएंगे। इसका ढक्कन भी था लेकिन मेरे पास फूट गया है ढक्कन, सॉरी। मैं इसको इस पे ढक रही हूँ ये, और इसे मैं 1.5 घंटे तक पकने दूंगी, फिर मिलते हैं। तो फिर चले, हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटा कम से कम मैंने इसमें गलाने के लिए छोड़ा है। अब हम इसे खोलते हैं, क्योंकि मैंने इस पर आटा लगा कर पैक किया था इस तरह से। इसमें डालेंगे नमक, कि नमक हम लास्ट में इसके लिए डालते हैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे गेहूं का आटा है, तो 2 चम्मच भरकर मैंने इसे घोल कर रखा है, आप जितने ज़रूरत के मुताबिक डालें।
माशाल्लाह देखो कितना अच्छा बन गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हाफ नींबू डालेंगे हम, इसमें टार्टरिक पड़ती है लेकिन टार्टरिक से ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसके लिए मैं इसमें नींबू डालना पसंद करती हूँ। ये जब तक हमारा आटा पक नहीं जाता जब तक हम इसे ढक कर रख देंगे। फिर देखते हैं थोड़ी देर में, हमने इस तरह से इसका मसाला करके रखा है, ये इसके ऊपर जाएगा, इसे टोप पे जाएगा। चले फिर तो हम देखते हैं हमारा मटन कुंडी होकर तैयार है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है, घाट भी देखो कितना अच्छा है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा किचन खुशबू से भर गया है। मसाला अगर आप इसे खाओगे, बनाकर खाओगे तो आपको पता चलेगा मैंने इतनी मेहनत की है इस पर, तो आप बनाकर ज़रूर खाना। और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर फीडबैक देना। और ये निहारी की फैमिली से आ रहा है मटन कुन्ना गोश्त, निहारी के जैसा ही ऐसे, मेरे को तो लगता है कि निहारी बहन है मटन कुन्ना भाई है ये मस्ती की बात है। आइए हम इसे सर्व करते हैं, आइए तो हम इसको सर्व करते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच काला जीरा डालते हैं, क्योंकि काला जीरा मटन कुंडा की जान है। काला जीरा हम इस तरह से इसमें डालेंगे और सर्व करेंगे। चले फिर हम इसे सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है माशाल्लाह। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। तो बच्चों आप लोगों का हक बनता है मुझे लाइक करने का, तो चलो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।